सत श्रीकाल जी, बीबी पत्ती नवांशहर देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शिखा खेती स्वागत करती हूँ। बाबा किसान यूनियन पंजाब वालों मंडी का दौरा किया गया तो उत्थे जा के उन्होंने किसानों के हालात बारे जाने। जब किसानों गलबात की तो उन्होंने कहा कि वह 11 तरीक तो मंडी के बैठे ने, इस उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अजे तक बारदाना भी नहीं मिले। इस नाल तुहानू दस दिए कि चंडीगढ़ चौंक के किसानों वालों धरना प्रदर्शन किया गया कि क्योंकि उन्होंने गन्ने की राशि है वह अजे तक पकाया है। जिहड़ा अज का किसान है सड़क पर रोंदा हुआ नजर आ रहा है, बुरी तरह खज्जल खवार हो रहा है। किसान लगातार ही सरकार को गुहार लगा रहे हैं, अपनी मंगा पूर्ण करने की जी लगातार ही संघर्ष कर रहे हैं, पर जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां दी कोई भी मंग पूरी नहीं कर रही है, तो किसानों को खज्जल खवार करने लिए छड़ दिता है। इस नाल बाबा किसान यूनियन ने कहा कि डीसी साहब के नाल उन्हां दी मीटिंग है, तो मीटिंग दे विच की सिट्टा निकलता इस बारे वो आप जान करवाएंगे। इस नाल उन्होंने ये भी कहा कि जेकर किसानों के मसलों का हल ना किया गया तो उन्हां वल्लों तिखा प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस वीडियो में तुसीं जरूर देखियो तो जाणियो किसानों के की हालात ने, ते अपनी टिप्पणी करना ना भुल्लियो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज असीं फजीत दी मंडी दे विच पहुंचे हाँ। दुआबा किसान यूनियन पंजाब वालों इतने जायजा लैन आए थे, देखने आए थे, जिमीदारां नाल गलबात की, सारे नाल भी की पोजिशन आ, तो पता लग्या भी पिछले मतलब काफ़ी समय तो जी कणक जिमीदार सिट के बैठे ने, वो अपनी जबानी दसणगे ते किन्ने किन्ने दिन हो गए इन्हां नूं बैठे। वाहेगुरू खालसा, वाहेगुरू फतेह। दुआबा किसान यूनियन साढ़े कोल पहुंचे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सानू पांच दिन हो गए इतने बैठे, सानू बारदाने की बहुत दिक्कत है, बारदाना नहीं आ रहा। जे आ थोड़ा आता एक ताली योगा हों, बाकी जिमीदार बैठे रह जाते हैं। अब सानू पांच दिन हो गए पूरे इतने बैठे, ये साड़ी भराई नहीं हो रही, साड़ी बहुत बहुत हाथ जोड़ के बिच। सानू 11 तरीक तो साड़ी कणक बिकी हुआ जी, सानू कोई पैसा नहीं अभी तक पहुँचा, तो ना कोई साढ़े जी गाह होर कणक लिया, ना कोई बारदाना का, ना कोई भराई होंगी आ। असी बैठे पाँच दिन तो जी, इन्होंने आटे का भी कोई कसूर नहीं, 500-700 गट्टा आता उन्ना भर जाता, बाकी कुछ नहीं। साड़ी समस्या का हल सुन आए हैं, ये किसानों की समस्या, हाँ ये किसानों की जिहड़ियां समस्यावां है। तो अज मीटिंग हैगी डीसी साहब के नाल शाम को, देखते हैं उन्होंने गलबात करके इन चीज़ों को अभी जाने करावे। बाकी प्रधान जी तुम दस, वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। बड़ी शर्म की गल आ पंजाब सरकार वास्ते और केंद्र सरकार वास्ते, जो एक पासे तो सीधी अदायगी का ढंडोरा पिटिया जा रहा। किसानों के मूहों जवानी सुनिया कि 11 तरीक की खरीद हुई शुरू, तो ऑनलाइन जो सिस्टम आ कोई समझ नहीं आ रही, ना आढ़तियों ना जिमीदारों, वो हजे तक भी किसी के खाते च एक रुपया नहीं पिया। तो बाकी रह गई जी बारदाने की गल, साढ़े हल्के MLA साहब भी ते DC साहब ने उस दिन मंडिया में जाके दौरा करके मंडिया की खरीद शुरू कराई सी, पर उन्होंने मैं लगता भी मुड़ के मंडिया में जायजा नहीं लिया होना, जो मंडिया के हालात वा तरस योग जो किसानों की हालत बन चुकी आ। किसी भी मंडी के प्रॉपर बारदाना नहीं पहुँच रहा, तो किसान पांच दिनों तो बैठे आ। तुम देख सकते हो कि अंबार लगे आ कणक के, बट्टी पत्थर के ट्रालियां खड़ियां, जे कोई जिमीदार ट्राली लैके आता तो 5-6 दिन तो पहला वो कणकनी दूई होंगी हैगी, 5-5 दिन तो इतने किसान बैठे आ पहले दिन तो। बड़ी मंदभागी गल वा कैप्टन सरकार नू, खास करके असी ये दसना चाहते हैं और चेतावनी भी दें, जे ये एक दो दिन के बारदाने का वड्डे पद्धर से जिदा एजेंसियां आ वेयर हाउस की इतने खरीद आ वजीद परदाना मंडी के, जे बारदाने का प्रबंध ना होया तो असी किसानों मिल के दुआबा किसान यूनियन पंजाब के भरातरी जथेबंदियां तो DC साहब का घराओ करांगे, जो इन्हां दी एजेंसियां इतने खरीद कर दियां। तो इस करके ये एजेंसियां नूं ते सरकारां नूं समझ लेना चाहिए, तो इसका जल्दी तो जल्दी प्रबंध करे ता जो किसान खज्जल ना हो सके। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।